नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। बड़गढ़ प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र बिंजपुर गांव में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर का उद्घाटन कमांडेंट एसएन मिश्रा, द्वितीय कमांडेंट कुमार विजय शंकर एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। कमांडेंट ने कहा कि ऐसे क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का उद्देश्य है कि जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं और पैसे के बिना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें लाभ मिले। साथ ही कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मटर, पालक, मूली, टमाटर, लौकी, बैंगन, मिर्च आदि का बीज वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार बढ़ेगा और समृद्ध होंगे। डॉक्टर चौधरी ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि ठंड का मौसम है, जिसमें शरीर का तापमान कम होने से हाइपोथर्मिया हो जाता है, जो घातक है। पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर रखें, गर्म पानी एवं भोजन का सेवन करें, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। बच्चों को ठंड लगने से बचाएं ताकि सर्दी, खांसी, निमोनिया आदि ना हो। मौके पर डिप्टी कमांडेंट संतोष सहगल, नर्सिंग असिस्टेंट जसबीर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, विष्णु भगवान, सुधीर कुमार आदि भी उपस्थित थे। आज बड़गढ़ प्रखंड के अंदर बिंजपुर स्कूल में सीआरपीएफ के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम, जो कि जनता से जुड़ने का एक हमारा कार्यक्रम होता है, उसके तहत हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमारे डॉक्टर ने सिविल डॉक्टर उन्होंने उसमें शामिल होकर के लगभग 200 लोगों को उन्होंने देखा, उनकी जांच की, उनको निःशुल्क दवा का वितरण किया गया सभी लोगों को। इसके अलावा बीज का वितरण किसानों के लिए, ताकि यहाँ पे अभी फसल का सीज़न आ रहा है, उसमें बीज का वितरण किया गया उन्होंने के बीच में। बच्चों को भी कुछ प्रोत्साहन के तौर पर उनको भी मिला गया, उनको भी प्रोत्साहित किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा जनसंपर्क कार्यक्रम रहा हमारा, जिसमें कि हमारे अधिकारी और अन्य स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धन्यवाद।